नमस्कार, आप देख रहे हैं मनीष न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, शव को सेप्टिक टैंक में छुपाया। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी है और उसको शव को पड़ोस में बन रहे एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान नीतू और हरपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद 14 दिन लगे थे और जिसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। मृतक सतीश अपनी पत्नी नीतू और 5 साल के बच्चे के साथ ग्रेटर नोएडा में वेस्ट में रहता था। नीतू के कबूल किया कि वह राजमिस्त्री के रूप में काम करते वाले हरपाल को 2 साल पहले उसके घर पर काम करने के लिए रखा गया था और इसी दौरान उसका उसके साथ अवैध संबंध हो गया था और इसके एटा में अपने घर वापस जाने के लिए बाद भी संपर्क जारी रहा था और इसके कहा कि उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चलने पर सतीश ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था और उसके घर में ही निकल जाने कर भी कहा था। इसी बीच हरपाल को फिर से पड़ोस के घर में काम मिला था और पति ने तंग आकर उसके हरपाल के उसकी हत्या करने की साजिश रची थी और साजिश के गैरवा नाम के एक उसके दोस्त ने भी शामिल कर लिया था, जिसके आरोप लगाया है कि जिसके लिए गौरव के 20,000 रुपए और सोने का सामान भी दिया। 2 जनवरी को हरपाल सतीश और गौरव के शराब पीने बैठे थे और इसी दौरान हरपाल ने नशीला पदार्थ मिलाकर सतीश को पिला दिया और पदार्थ नीतू ने बताया कि जब वह होश खो बैठा तो उसके हरपाल ने हाथ मिलकर सतीश का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और पड़ोसी के निर्माणधारी सेप्टिक टैंक में अंदर फेंक दिया। जब सतीश के परिवार के सदस्यों ने उसे ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो नीतू ने कहा कि वह उसे बताया बिना ही कहीं चले गए हैं। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और एडिशनल DCP विशाल पांडे ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस सतीश के घर पहुंची और जहां पड़ोसियों ने उन्हें आरोपी के अफेयर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शख्स की से पूछताछ करने के बाद आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गौरव की तलाश की जा रही है। रश्मिका मंदाना ने बांटा मिशन मजनू के शूटिंग के दौरान का अनुभव। एक मीडिया बातचीत के दौरान रश्मिका ने इस पर खुलासा किया है कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह सोच में पड़ गई थी कि वे कैसे के ये पूरा करें और सब कुछ उसके लिए एकदम नया था। रश्मिका ने कहा है कि एक एक्ट्रेस के रूप में मैंने भी ऐसा कहीं नहीं किया है। दरअसल ऐसे में रेट्रो फिल्म है और इसीलिए मुझे बेहद अलग ड्रेस पहननी पड़ी है और साथ ही मुझे सीन फिल्माने के लिए एक ट्रेनिंग भी लेना पड़ा है। रश्मिका ने यह बातचीत उन्हें अपने इस किरदार के लिए तरह तरह की तैयारी भी की है और काफ़ी मेहनत की है। रश्मिका का कहना है कि अपनी आँखों का इस्तेमाल कर वह एक्टिंग करना बेहद मुश्किल पड़ रहा है और उन्होंने कहा है कि मैं वह शख्स हूँ जिसके सामने वाले आंखों में ही देखकर बोलना पड़ता है और बातचीत के दौरान वह कहती है कि मैं तारीफ को नहीं देख सकती हूँ और ऐसा क्या करना चाहता है जो मुश्किल हो जाता है, हालांकि मैंने इस पलों में सीखा है और यह है कि चैलेंज वाला किरदार निभाना पड़ा है। बता दें कि फिल्म में अपने किरदार को बेहद तरीके से अदा करने वाले रश्मिका मंदाना बाकायद ट्रेनिंग भी लिया है और उन्होंने कहा है कि दृष्टिबाधियों से बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। मैं कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग भी ले चुकी हूँ और वर्कशॉप भी कर चुकी हूँ। मैं ऐसे में मुझे बाद भयंकर सिरदर्द भी होने लगा था। दरअसल इस ट्रेनिंग के दौरान अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लेना था और आप नेगेटिव रोल भी करना था और मुझे वहाँ पे अंधे का रोल भी करना है। यह काफ़ी मुश्किल और दर्द भरा अनुभव रहा है मेरे लिए। बता दें कि मिशन मजनू शांतनु बागची द्वारा निर्देशित फिल्म है और थ्रिलर फिल्म बनाई गई है जिससे परमी सेठी और मुकुंद मिश्रा, रजित कपूर, अर्जुन बजाज और शारिफ भी सितारे शामिल होने वाले हैं। यह फिल्म 20 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं यह साउथ अभिनेता यश। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम यश का आता है और साउथ इंडस्ट्री के वह सुपरस्टार है। सुपरस्टार यश अपनी फिल्म KGF के दोनों भाग में ही हिंदी सिनेमा को भी हिला चुके हैं और यह यश की फिल्म ने हिंदी भाषा में भी दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया है। हालांकि यह फिल्म हिंदी डब वर्जन के साथ ही आई थी और लेकिन
अभिनेता यश भी खुद बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। दरअसल इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान यश ने कई बार हिंदी में इंटरव्यू दिया है और जिसके वह बहुत अच्छी हिंदी बोलते हुए दिखाई दिए हैं। रामचरण, इस लिस्ट में अगला नाम साउथ के सुपरस्टार रामचरण का आता है। रामचरण भी बहुत अच्छी इंग्लिश हिंदी बोलते हैं और हाल ही में रिलीज हुई RRR के जरिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है। इस फिल्म की बात करें तो जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता है कि रामचरण फिल्म RRR के अपने डायलॉग हिंदी में ही उन्होंने खुद बोले हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNH न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNH न्यूज पर। नमस्कार।